पीएम साहब बूंद बूंद पानी को तरसा रहे हैं आपके माध्यत अधिकारी। आदर्श नगर पंचायत मोहली का प्रशासन बना लापरवाह। कस्बे का एक मोहल्ला 25 दिनों से पानी से है बेहाल। यूपी के सीतापुर में अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब नागरिकों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर पंचायत मोहली की, जहाँ के एक मोहल्ले में लगभग 25 दिनों से पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मोहल्ले के निवासी हाईवे पर एक दुकानदार के निजी पंप से पानी भरने पर विवश हैं। यहाँ पर ये भी बता दें कि नगर पंचायत प्रशासन को मोहल्ले वासियों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, इसके बावजूद नगर पंचायत प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इस मोहल्ले की हालत बेहद खराब हो गई है। यहाँ के निवासियों ने जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी से अविलम्ब इस अव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। मेरा नाम शकील है। 20 दिन से टंकी नहीं आ रही है पानी की, वो इतनी वो हो रही है, दिक्कत हो रही है। और वो बेचारे पड़ोस में है दुकानदार, वो कहते हैं बेचारे मोटर चला के मैं पानी दे रहा हूँ अपने पियो। यहाँ कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए बहुत दिक्कत है। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या ईओ क्या कह रहे हैं आपके मोहल्ले के? ईओ से हम लोग बातें नहीं किए तो उनका क्या, वहाँ गए वो बनाया फिर बिगड़ गए। तब से सुनवाई नहीं हो रही। लगभग कितने दिनों से समस्या आ रही है? कितने दिनों से समस्या आ रही है? हो गया कम से कम 25 दिन। तब से यही स्थिति बनी हुई है। तो फिर पानी कैसे ले जाते हैं आप? पानी यहाँ से भर रहे हैं, तो रोड से भर रहे हैं पानी। तो क्या चाहते हैं आप? 15 मिनट क्या है तो बनाए। पानी भी नहीं देते, 10-15-20 मिनट पानी दिया बस। पानी वाले बोले रहा हूँ क्यों, क्या आप किसी को से कहा नहीं आपने? आप कहते नहीं पहले, जहाँ जाए कोई सुनता ही नहीं। सब उनकी आँखें सबके मुंदे नहीं, कहा देखा नहीं कब पानी हम दे दें। सताई पानी क्या हमारे यहाँ क्या समस्या बहुत खराब करे। पानी लाइट गरीब रास्ता खराब है भैया। रात भर रास्ता का रात भर लाइट ना आवा करते है और पानी ना आवा करे। ना लाइट आ रही है, पानी आ रहा है, सुविधा ना है। हां जो यहां खाली नेता हो जाए, पानी है नहीं।